जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन हम एक क्वेश्चंस पिकअप किए हुए हैं और इस क्वेश्चंस को हम टब की श्रेणी में रखेंगे। आईटी एग्जाम जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर मैथ का बेसिकली रियल एनालिसिस का जो हुआ था, जो रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था, एक्चुअल में वो मॉडरेट और टब के बीच में था और हम इस क्वेश्चंस को जो है टब की श्रेणी में रखेंगे। वाई देखते हैं, लेंदी भी क्वेश्चन रहा है तो पहले क्वेश्चंस को देखा जाए। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, आईटी एग्जाम का एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन द सीक्वेंस एसएन इज दिस मच। ये लंबा चौड़ा डिफाइन किया हुआ है, इसी में टाइम किल कर देगा तो देख लिया जाए। एसएन इज इक्वल टू दिस है इफ एन ग्रेटर देन जीरो इज इवन। अब पता नहीं है एन ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है भाई। व्हाट अगर जब आप इवन नंबर कह रहे हैं और एन एन मीनिंग सेंस, तो दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक इन दैट स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के लिए तो कॉमन सेंस हो गया ना भाई कि जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर की काउंटिंग तो वन से शुरू होती है, वहाँ ग्रेटर देन जीरो। अगर एन इज इवन यहाँ लिख दिया जाता तो फिर इसकी लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रहती है। पता नहीं वो पेपर सेटर ने क्या उनका दिमाग में आया, बहरहाल जो रहा हो उसे। बट एन इज इवन लिखने से भी काम चल सकता था, हमारा कहने का मतलब है। तो एसएन जो सीक्वेंस है जिसका एनएथ टर्म अगर इवन है तो उसकी वैल्यू ए है, अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू ए है। दिस इज द गिवन सीक्वेंस। फिर कह रहा है कि डिफाइन दिस। अब सिग्मा एम यहाँ डिफाइन किया गया, ये जो सीक्वेंस है इनके टर्म्स को ऐड कर दिया गया, एम नंबर ऑफ द टर्म्स। अब ऐड करने के बाद जो एम का जो फंक्शन आया, अब अगेन वहाँ भी एक सीक्वेंस क्रिएट कर लिया गया दिस। उसके बाद कहाँ गया तो फिर इससे सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट क्या होगी, व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। मतलब सिग्मा वन सिग्मा टू एंड डॉट्स वन, जो सिग्मा वन होगा उसकी मुझे लिमिट पॉइंट्स निकालनी है, मतलब सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट्स निकालनी है। और ये एम एस क्यू का क्वेश्चन रहा है और नहीं एन टी ए का स्तर का रहा है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ये। ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट क्या होगी। तो चलते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन को सीरियसली देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। नो डाउट टाइम लगेगा डेफिनेटली, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको बहुत ताबड़तोड़ सॉल्व कर दिया जाए। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां टाइम किल होता है तो डेफिनेटली होगा भी। 3 घंटे का पेपर यूं ही थोड़ी रखा जाता है कि आपने पढ़ा और खट दे मारा और पट दे हो गया, ऐसा नहीं है। 3 आवर का जो टाइम है और वो भी कंपटीशन का, नेशनल स्तर का कंपटीशन है, तो 3 घंटे के लिए क्वेश्चन भी तो बनने चाहिए। ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन आपने देखा खट दे मार दिया। तो ये क्वेश्चन लेंदी रहा है, कहने का हमारा मतलब क्या है। तो चलिए पहले इस सीक्वेंस की थोड़ी बखिया उधेड़ दें हम लोग। कह रहा है कि जब यन इवेन है तो ये है, तो इवेन के लिए जनरल हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज द। जब भी इवेन की बात आए सीक्वेंस की दुनिया में तो 2k ले लीजिए, और जब ऑड की बात आ जाए तो 2k+1 कर लीजिए, या k बिलोंग्स टू यन, दिस आप लिखिए ऑड हो जाएगा। अब यस 2k मैं निकाल रहा हूँ, देख लूँ यस 2k क्या होगा। इवेन नंबर जो सीक्वेंस के हैं कैसे गुल खिला रहे हैं थोड़ा देख लिया जाए यहाँ। तो हम k की जगह यहाँ पर n की जगह 2k मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ 2 raised to the power n है, तो फिर 1/2 raised to the power 2k समेशन j वेरी फ्रॉम 0 to n की जगह मैंने यहाँ 2k लिया है, तो 2k-2 दिस इंटू 2 raised to the power 2j वेरी करा दिया जाए 1/2 raised to the power 2k दिस। अब जी जब जे 0 होगा तो ए 1 हो जाएगा, जे अगर मैं जब 1 लिखूंगा तो दिस इज द 2 square। अच्छा जे जब मैं 2 लिखूंगा तो दिस इज द 4 हो जाएगा यहाँ, प्लस एंड डॉट्स 1। लास्ट टर्म इसका क्या आएगा जब जे की वैल्यू ए पिकअप की जाएगी, तो 2 raised to the power लास्ट वैल्यू क्या है 2k-2, और 2 raised to the power 2j है। जब जे की जगह हम 2k-2 लिखेंगे तो 2 raised to the power क्या हो जाएगा 4k-4 दिस ये वैल्यू हो जाएगी। अब डेफिनेटली दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज जीपी है ये, जिसका फर्स्ट टर्म ए जो है 1 है और जो कॉमन रेशियो है वो 2 square है। इसको इजी वे में देखा जा सकता है। और सम का जो फार्मूला होता है वो ये होता है एसएन इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो दिस इज द सम ऑफ द एनएथ टर्म ऑफ द सीरीज व्हेन द सीरीज इज ऑफ जीपी फॉर्म। तो देखा जाता है क्या होगा, दिस इज द 1/2 by 2k दिस
चलते हैं, ए वन हो गया, मैटर फिनिश हो गया। आर की वैल्यू टू स्क्वायर है, तो टू स्क्वायर इंटू, अब यह तलाश करना है कितने नंबर्स ऑफ द टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ द टर्म्स यहीं से मिल जाएंगे। जेड जीरो से शुरू है, टू के माइनस टू तक चलता है, तो इसकी मीनिंग मेरी ये हुई कि जेड इज इक्वल टू जीरो से जो टू के माइनस टू तक है ये, तो फिर यहाँ कितने होंगे जीरो से लेकर टू के माइनस टू, मतलब टू के माइनस वन होंगे। तो दिस इज द नंबर ऑफ द टर्म्स इस सीरीज में कितने हैं भाई, 2k माइनस वन, दिस माइनस वन अपान r माइनस वन, और r जो है मेरा टू स्क्वायर है, तो टू स्क्वायर माइनस वन। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वन अपान टू रेस टू दी पावर 2k, दिस टू रेस टू दी पावर 4k माइनस टू माइनस वन अपान फोर माइनस वन, दिस इज द थ्री, r इज इक्वल टू, अगर मैं वन बाई थ्री बाहर कर लूँ तो ये हो गया टू रेस टू दी पावर 4k माइनस टू माइनस वन अपान टू रेस टू दी पावर 2k, ये मेरी बात हो गई। दिस इज द यस 2k निकल गया। अच्छा, और अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँ इसे, तो यस 2k की जो वैल्यू आएगी दिस, अब थोड़ा मैं यहाँ उसको लिख दूँ, यस 2k इज के आया व्हाट, इसको अगर यहाँ सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू मेरी क्या आएगी, टू रेस टू दी पावर 4k माइनस टू, एंड दिस इज द माइनस 2k, तो टू रेस टू दी पावर 2k दिस माइनस टू, ये अपाने करेंगे और 1 बाई थ्री तो बाहर हो जाएगा, माइनस वन अपान टू रेस टू दी पावर 2k, ये हो गया, वेयर k इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड आट्स वन। k की वैल्यू कुछ भी पिकअप करेंगे, जैसे 1 लिखते हैं तो s2 आएगा, इवन टर्म, 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, 3 लिखेंगे तो 6 आएगा, मतलब कि इस सीक्वेंस में जो इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, जैसे s2 की मुझे बात करनी है, व्हाट इज द s2 टर्म्स, तो s2 या k इज इक्वल टू 2 लिख दीजिए, नहीं सॉरी k इज इक्वल टू 1 लिखिए, तो k 1 लिखने पे जो वैल्यू मुझे मिलेगी इस सीक्वेंस का सेकेंड टर्म होगा। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है, कहने का मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस के अगर आर टर्म्स हैं तो उनकी वैल्यू क्या है, उसको हम भी इजी वे में निकाल सकते हैं डेफिनेटली, तो थोड़ा उसको भी मैं यहाँ निकाल लूँ, कंप्लीट एक निकाल लूँ तो थोड़ा आइडिया हो जाएगी, जो बिगिनर स्टूडेंट हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, तो उनके लिए थोड़ा ये अच्छी बात हो जाएगी। तो चलते हैं, अब हम आर की बात यहाँ लेने जा रहे हैं कि आर देखते हैं कि सीक्वेंस के जो टर्म्स आर हैं वे कैसे हैं, जब वे दिखाई दे जाएंगे तो मामला थोड़ा आसान हो जाएगा, इस क्वेश्चंस की एनालिसिस करने का तो फिर आनंद ही कुछ और हो जाएगा। तो चलते हैं, क्या है हम लोगों का, व्हाट इज द वैल्यू, अब n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 की तलाश है हमारी r टर्म्स, तो यस 2k प्लस 1 इज व्हाट, n की जगह मैं 2k प्लस 1 लिख दूं तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान 2 रेस टू दी पावर 2k प्लस 1 समेशन j वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 2 रेस टू दी पावर 2j। चलिए इसको ब्रेक कर लीजिए 2k प्लस 1 दिस, अब इस समेशन को जब हम ब्रेक करेंगे तो z इज इक्वल टू 0 से होगा, तो जब यहाँ 0 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं 3 लिखूँगा तो ये 2 लिखने पे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड आट्स वन, लास्ट में जो मेरी वैल्यू आएगी 2 रेस टू दी पावर j की जगह जब मैं यहाँ नहीं सॉरी 2k प्लस 1 लिख रहे हैं तो फिर यहाँ n के जगह हमारा 2k प्लस 1 होगा और माइनस 1 है तो फिर यहाँ 2k हो जाएगा दिस, तो लास्ट टर्म यहाँ क्या आएगा, जब मैं यहाँ 2k लिखूँगा j की जगह तो 2 रेस टू दी पावर 4k हो जाएगा दिस, ऐसे ये हो गया। अब चलते हैं इसका निकाल लेते हैं सम क्या होगा, अब इसमें देख लिया जाए कितने टर्म्स हैं, तो एक्चुअल्स में जब हम n इज इक्वल टू नहीं सॉरी 2k लिखेंगे 2k प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ मेरे 2k आ जाएंगे, तो 0 से लेके 2k का मतलब होगा कि 2k प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगे, यानी इस सीरीज में 2k प्लस 1 टर्म्स हैं, तो अगर जी पी के 2k प्लस 1 टर्म्स हैं तो उसका सम क्या होगा यूजिंग दिस फार्मूला, a की जगह 1 है तो कोई बात नहीं मैटर फिनिश, r है मेरा 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर हो गया, अब n की जगह नंबर ऑफ द टर्म्स जो है हमारा 2k प्लस 1 है तो दिस इज द 2k प्लस 1 s माइनस 1 अपान r 2 स्क्वायर माइनस 1, जब इनको सॉल्व किया जाए तो 1 अपान 2
के प्लस वन, और ये जो वैल्यू मेरी होगी 2^4 k+2 एंड माइनस वन अपान अगेन 3 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो व्हाट, यस 2k+1 इज इक्वल टू 1/3 बाहर कर ले। अब 2^4 k+2 माइनस वन अपान 2^2 k+1 यही तो वैल्यू होगी मेरी। एक बार इसको देख लेते हैं, जब यन की जगह 2k+1 यहाँ लिखेंगे तो 2k+1 एंड माइनस वन, वन माइनस वन कैंसिल, 2k हो जाएगा। और जीरो से लेके 2k अगर लिखा गया है तो जीरो से 2k के बीच में कुल नंबर्स जो होते हैं वे मेरे 2k+1 हो जाएंगे। ठीक है, यस। नाउ अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो गया 1/3, और अगर मैं इसको पावर्स को ऊपर कर दूं तो जो पावर्स की जो गेम है उस गेम के अनुसार ये -2k हो जाएगा। तो 2^2 k, ये -1, तो दिस इज द +1 एंड -1/2^2 k+1 ये वैल्यू मेरी हो गई है। तो अब इस सीक्वेंस का जो पोस्टमार्टम होने के बाद जो वैल्यू आई हमारी वो अब क्या आई, अगर उस चीज़ को मैं यहाँ लिखूँ तो अब मैं इसको यहाँ डिलीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चंस की नो नीड, बस ये पूछा गया उसकी लिमिट पॉइंट क्या है। सिग्मा एम की बात है यहाँ कि ये डिफाइंड है तो इसको मैं छोड़े रखूँगा थोड़ा, बट मैं इनको थोड़ा भी डिलीट कर दूँ, मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये लिमिट पॉइंट ऑफ सिग्मा एम की मुझे बात करनी है, जहाँ वहाँ सम की बात है। तो अब अगर मैं यहाँ एस एन लिखूँ तो वो एस एन कैसा लिखा जाएगा, एक इवेन के लिए हो गया और एक आड के लिए हो गया, दिस इज द इवेन एंड आड। चलते हैं देखिए, अब मैं एस एन को यूं लिख सकता हूँ, एस एन इज इक्वल टू ये ब्रैकेट हो गया हमारा, ये हो गया 1/3 2^2 k -2 -1/2^2 k, दिस जब n हमारा n इज एन इवन। ठीक है, अच्छा अगर आड है तो फिर क्या होगा, 1/3 2^2 k+1 -1/2/2 k+1 और यहाँ n इज आड, ये है दिस। तो यस वन अगर निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, अच्छा के टर्म में मेरा आया है तो मैं अब सीधे सपाट अगर मैं बात यहाँ कर दूँ तो यहाँ एन तो है नहीं, इवेन की वैल्यू है, तो ऐसे लिख दें तो और अच्छा रहेगा, इसको हटा ही दें तो बेटर है, नो नीड, बिना मतलब का मैथमेटिकल कॉम्प्लिसिटी का कोई मीनिंग नहीं होनी चाहिए, जितने ईजी वे में बातें हो जाए ना उतनी अच्छी रहती है। तो चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया मेरा यस 2k, ये निकाले हैं और मैं यस यहाँ 2k+1 निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा ऐसे लिख दिया हूँ ना, तो थोड़ा यहाँ k बिलोंग्स टू n है नहीं, सॉरी ठीक है k 1 2 3 एंड आर्ट्स 1 यहाँ भी k, ये है ठीक है यस। चलिए अटेंशन पे बोर्ड पे अटेंशन बड़ा होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, बी सीरियस। अब हम क्या कहने जा रहे हैं, जब हम k1 लिखेंगे तो s2 आ जाएगा, कि अगर मैं 2 लिखूं 4, मतलब कि ये जो है मेरे इस सीक्वेंस जो एस एन जो डिफाइन किया था वो इवन नंबर ऑफ द टर्म्स है, ये ऑड नंबर ऑफ द टर्म्स है। अब यहाँ अगेन जो है क्वेश्चन की कॉम्प्लिसिटी बढ़ा दी गई कि सिग्मा एम की बात कर दी गई 1/m, और यहाँ एन वेरी फ्रॉम 1 to n, तो कोई बात नहीं, s1 + s2 मैं इनको खोल ही दे रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद इसकी लिमिट पॉइंट की बात कही गई है, तो हमने रियल एनालिसिस में जब लिमिट पॉइंट की बात की थी तो ये कहा था कि आप लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालिए जो भी हमारा सीक्वेंस गिवेन है, और देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो अब यहाँ वो बहुत जो तिकड़मबाजी है, जो मायाजाल है नेचुरल नंबर्स की, उसे उन्होंने काफ़ी डिटेल्स में बात की है, इसकी वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी अगर फाइनाइट है तो फिर तो उसकी लिमिट पॉइंट मिलेगी, अगर फाइनाइट नहीं है इनफाइनाइट है तो लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, यही है। और मुझे लिमिट पॉइंट्स की यहाँ बात करनी है, वही मुझे तलाश करनी है। तो अब यहाँ देख लिया जाए, एस वन लिखेंगे, एस टू लिखेंगे, एस एम लिखेंगे, और एम टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, यहाँ 1/m है, और मुझे ये पता है अगर 2^2 मैं यहाँ m लिख दूँ और नीचे अपान m कर दूँ और m टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूँ
तो फिर ये हम इन्फिनेटिव की ओर जब टेंड होगा तो ये क्वांटिटी इन्फिनेटिव की ओर टेंड हो जाएगी। मीनिंग क्या हो गई कि इसकी जो लास्ट टर्म जो मिलेगी वो इन्फिनेटिव मिलेगी। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस इस टाइप का हो जाए, ये हो जाए ऐसा, ये सीक्वेंस हो, तो फिर लिमिट निकालने पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव आएगी। मतलब इसका लिमिट जो पॉइंट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट जो है यम इन्फिनिटिव करने पे कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, बट ए फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अगर यहाँ हम देखते हैं उस चीज़ को, तो अब यहाँ एस वन एस टू एंड आर सो वन है, मतलब के हमारा अब इन्फिनिटिव की ओर यहाँ टेंड होने जा रहा है। यम इन्फिनिटिव की ओर टेंड का मतलब यहाँ क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिमिट पॉइंट व्हेन यम टेंड्स टू इन्फिनिटिव। जब यम इन्फिनिटिव की ओर मैं टेंड करूँगा तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सिक्वेंस निकला है ना, सम ऑफ द ऑल द टर्म्स ऑफ द सिक्वेंस, मतलब दिस कन्वर्टेड इन द सीरीज। तो ये जो सीरीज होगी उसके बारे में पूछा जाए, अगर सीरीज ए कन्वर्जेंट हो गई, मतलब हैव ए फाइनाइट नंबर पर वैल्यू अगर मिल गई, तो फिर ये सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट मिलेगी। लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, अगर वो डाइवर्जेंट है बट वहाँ एक से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तब भी उसकी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर यन इन्फिनिटिव की यम इन्फिनिटिव की ओर टेंड करने पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर जाएगी तो लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अगर हम के की ओर फाइनली यम इन्फिनिटिव, मतलब यहाँ के इन्फिनिटिव की ओर टेंड होने जा रहा है, इसका पूरा हम सम निकालने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ इस सीरीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मेरी जो है ना जो टर्म्स हैं वो इंक्रीजिंग है, दिस इज द इंक्रीजिंग, हर टर्म इसका इंक्रीज कर रहा है। जब हमारा के इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा, अच्छा दूसरी बातें पॉजिटिव टर्म्स हैं, के वन टू थ्री फोर फाइव आप सिक्स लिखिए, तो मीनिंग क्या हो गई कि ये जो सीरीज मेरी है वो पॉजिटिव टर्म्स की है। और एक बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है इनफाइनाइट सीरीज का, बेसिकली पॉजिटिव टर्म्स हैं। अगर कोई सीरीज आपकी इनफाइनाइट है और उसमें पॉजिटिव टर्म्स हैं तो वो दो चीज़ होती है, या तो वो डाइवर्ज करेगी, तो डाइवर्ज करेगी तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अब ऐसा उसका डाइवर्जेंट नहीं होगा कि उसका सम एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, वो भी एक डाइवर्जेंट के केसेस चलते हैं। या तो फिर वो कन्वर्ज कर जाएगी, यानी मतलब कि अगर कोई सीरीज जिसके ईच टर्म पॉजिटिव है डाइवर्जेस टू इन्फिनिटिव आर कन्वर्जेंट, यहाँ ऑक्सिलेटरी का कंसेप्ट नहीं आता पॉजिटिव सीरीज में, तो ये जो सीरीज बनी एक्चुअल में वो पॉजिटिव सीरीज की बनी। तो अब या तो ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, और मुझे पता है कि पहली नेसेसरी कंडीशंस है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन, जो एनियर टर्म्स ऑफ द जो सीरीज है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ मैं के इन्फिनिटिव की ओर मैं टेंड कर दूँ तो ये तो वैनिश हो जाएगा, या इवन हो या ऐड हो कोई बात नहीं, ये भी वैनिश हो जाएगा, बट ये इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि दिस सीरीज डाइवर्जेस टू द इन्फिनिटिव, यानी जो हमारा जो सीक्वेंस के जो लास्ट टर्म जो होंगे ना वो इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर जाएंगे। तो मतलब क्या होगा, कोई फाइनाइट टर्म्स मिलेगा ही नहीं, तो सीधा सपाट हो गया कि लिमिट डज नॉट, लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी लिमिट नहीं, सॉरी लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मीनिंग या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस रहा है, तो जो सेट पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ द लिमिट पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ द लिमिट पॉइंट्स इज द जीरो, तो जीरो होगा इसका आंसर, ऑलरेडी है भी आंसर की में जो रिवाइज्ड की आंसर किया ये जीरो है, तो ऑलरेडी वो जीरो होना ही है, दिस इज द प्रूफ, हमने इस चीज़ को प्रूव किया। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रही है वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ रियल एनालिसिस के लगाए हैं वे सारे क्वेश्चंस रियल एनालिसिस के कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस अप्लाइड पार्ट्स पे है कि वेक्टर कैलकुलस पे है, उस पर जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं, टोटल क्वेश्चन हम आई टी एग्जाम 2021 के जैसा मेरा वादा रहा है उस वादे के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा रियल नंबर जो रियल एनालिसिस जितने क्वेश्चन से दिस इज द कंप्लीट, एक आध क्वेश्चन था लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करके तो बहुत ईजी था, तो उस चीज़ को हमने यहाँ पिकअप नहीं किया है। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो कैलकुलस के लिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।